मेरा नाम बबलू है, मेरे फादर का नाम मिस्टर राजेंद्र है, जो कि राजू चुड़चुड़ नान चलाते हैं, और ये द्वारका में 1997 से वर्क कर रहे हैं। फादर ने 1997 में स्टार्ट किया, जो कि एक छोटा सा कार्ट हुआ करता था। तो वो धीरे धीरे, स्टार्टिंग में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, लेकिन फिर धीरे धीरे अच्छा लगा, कस्टमर को पसंद आने लगा फूड, तो आस पड़ोस में और पता चला, फिर उसकी वजह से और ज़्यादा प्रमोट होने लगा। तो फिर बीच में भी काफ़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करना इतना आसान नहीं होता है। फिर धीरे धीरे द्वारका में लगभग हम फेमस हो ही गए राजू चुड़चुड़ नान के नाम से। फिर धीरे धीरे हमने कार्ट को थोड़ा और अपडेट किया, उसको लोहे की बजाय स्टील का बनाया। फिर धीरे धीरे उसको और ज़्यादा अपग्रेड किया, कि कस्टमर डिपेंड करते थे कि फूड अच्छा है, थोड़ा आउटसाइड एरिया है, तो फिर हमने शॉप में कन्वर्ट हुए। तो अब लगभग 3 साल से लगभग है फादर संभाल रहे, अब कैरी मैं कर रहा हूँ, उसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। और बाकी जो हम फूड में जो भी शुरू से हमारी क्वालिटी है वो मेंटेन है अभी तक, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। लॉकडाउन में तो हमारा ये था क्योंकि हम बंद करके चले गए थे, क्योंकि बिजनेस बिल्कुल ही क्लोज हो गया एक तरह से। फिर रीओपन करने में ज़्यादा प्रॉब्लम आई, 3-4-5 महीने लगभग लग गया वापस अरेंज करने में, वापस उस लेवल पर आने के लिए बिजनेस। लॉकडाउन के बाद क्योंकि कोविड चल ही रहा था, तो कस्टमर कैश देना पसंद नहीं करते थे, तो हम भी कैश लेना पसंद नहीं करते थे। तो फिर फ़ोनपे ने एक सॉल्यूशन है कि आप उससे ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट करने से होगा, कस्टमर और हमारे बीच में कोई टच नहीं होगा, आपस में कोई टच नहीं होगा, उससे आप ऑनलाइन पेमेंट ईजी कर सकते हैं, आप अपनी पेमेंट ऑनलाइन देख सकते हैं फ़ोनपे बिजनेस ऐप पर। फ़ोनपे लिस्टिंग के द्वारा मुझे ऑनलाइन ऑर्डर मिलने लग गए हैं। फ़ोनपे लिस्टिंग पे मैं चेक कर सकता हूँ कि कस्टमर ने मुझे क्या ऑर्डर दिए। ऑनलाइन ऑर्डर करने के बाद पेमेंट भी इजी हो जाती है, क्योंकि ऑनलाइन हो जाता है सारा। और इससे फ़ोनपे से फ़ोनपे मर्चेंट ऐप में मैं चेक कर सकता हूँ कि मुझे कस्टमर ने क्या रेटिंग दी है। फ़ोनपे से कम्प्लीट सॉल्यूशन मिला बिज़नेस के लिए। वोकल फॉर लोकल को सपोर्ट तो करते ही हैं, क्योंकि जो छोटे दुकानदार हैं जिनको नहीं पता है या पता भी है जिनको, तो वो फ़ोनपे यूज़ करें, ताकि उनको कस्टमर, अपने जो इंडियन कस्टमर, वो ज़्यादा सपोर्ट करें। काफ़ी जो छोटे छोटे बिजनेस हैं लॉकडाउन की वजह से काफ़ी बंद हो गए, तो जो दोबारा रीओपन करने की सोच रहे हैं या जो भी अपना बिज़नेस बढ़ाने की सोच रहे हैं, तो उसके लिए अपने आसपास को सपोर्ट करना चाहिए लोकल फॉर।